खुशी दे नाल मेडल हासिल करदे ना होनहार बच्चियां ने स्विमिंग मुकाबलियां दे विच मल्ला मारियां ने। मुंडियां दे नाल नाल इत्थे कुड़ियां भी मेडल जीत के खुशी जाहर कर रहियां ने। दस दी कि बहादुरगढ़ शहर दी एचएल सिटी दे विच चैंपियन एकेटिक अकैडमी च मुकाबले होए ने। स्विमिंग मुकाबलियां दे विच मुंडियां दे नाल नाल कुड़ियां ने भी गोल्ड, सिल्वर ते ब्रॉन्ज मेडल तक जीते ने, जिन्हां दी हौसला अफजाई करन लई खुद सांसद धर्मवीर सिंह भी पहुंचे, जिन्हां ने बच्चियां दा हौसला वधाया ते आउण वाले बाकी मुकाबलियां लई उन्हां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। दस दिए कि पहले दिन हुई सब जूनियर, जूनियर ते सीनियर वर्ग दे मुकाबलियां विच मेंस कैटेगरी च 1500 मीटर फ्रीस्टाइल दे विच झज्जर दे पवन ने गोल्ड हासिल कीता ते फरीदाबाद दे दर्श ने सिल्वर मेडल जीतिया। उधर दूजे पासे कुड़ियां दी कैटेगरी दी गल करिए तां वुमेन्स कैटेगरी दे विच भी फरीदाबाद दी लक्षिता ने गोल्ड हासिल कीता है। गुरुग्राम दी सुहानी ने सिल्वर ते झज्जर दी समृद्धि ने ब्रॉन्ज मेडल जीतिया है। इन्हां सारे होनहार बच्चियां दी हौसला अफजाई करन लई खुद सांसद धर्मवीर सिंह आए ते उन्हां ने बच्चियां नूं अग्गे आउण वाले मुकाबलियां लई शुभकामनावां भी दित्तियां ने। दस दिए कि 21 जुलाई नूं इह चैंपियनशिप समाप्त होवेगी। देखिए, मैं तो इस अनिल समेत सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, और कोई थोड़े नहीं बल्कि 1000 के आसपास तो स्विमर और इससे ज़्यादा उनके गार्जियन आए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेला हो। इस प्रकार का दृश्य पहले कभी भी हमने किसी साल में नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ कि जो 4 दिन की प्रतियोगिता है, इसमें चारों दिन जिस प्रकार से मेहनत से हमारे बच्चे स्विमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यही रफ्तार अगर आगे बढ़ती रही धीरे धीरे, तो हम स्विमिंग में भी नंबर एक पर आ जाएंगे। हरियाणा वैसे तो हर खेल का एक ये मानिए हब बन चुका है, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, एथलेटिक्स हो। हम थोड़े से लेट चले, हरियाणा स्विमिंग में थोड़ा लेट चला, फिर भी इन 10-15 सालों में हमने काफ़ी प्रगति की है। और इस तरफ झुकाव अब तो सारे प्रदेश का है। हर जिले से सैकड़ों की संख्या में हमारे नए नए लड़के आते हैं, और अब तो हर जिले में इस प्रकार के स्विमिंग पूल, अब आपका यहाँ का दृश्य आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं तो पहली बार देखता हूँ, वरना इस प्रकार का माहौल प्रदेश में खासकर स्विमिंग के लिए पहले नहीं होता। खुशी दे नाल मेडल हासिल करदे ना होनहार बच्चियां ने स्विमिंग मुकाबलियां दे विच मल्ला मारियां ने। मुंडियां दे नाल नाल इत्थे कुड़ियां भी मेडल जीत के खुशी जाहर कर रहियां ने। दस दिए कि बहादुरगढ़ शहर दी एचएल सिटी दे विच चैंपियन एकेटिक अकैडमी च मुकाबले होए ने। स्विमिंग मुकाबलियां दे विच मुंडियां दे नाल नाल कुड़ियां ने भी गोल्ड, सिल्वर ते ब्रॉन्ज मेडल तक जीते ने, जिन्हां दी हौसला अफजाई करन लई खुद सांसद धर्मवीर सिंह भी पहुंचे, जिन्हां ने बच्चियां दा हौसला वधाया ते आउण वाले बाकी मुकाबलियां लई उन्हां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। दस दिए कि पहले दिन हुई सब जूनियर, जूनियर ते सीनियर वर्ग दे मुकाबलियां विच मेंस कैटेगरी च 1500 मीटर फ्रीस्टाइल दे विच झज्जर दे पवन ने गोल्ड हासिल कीता ते फरीदाबाद दे दर्श ने सिल्वर मेडल जीत्या। उधर दूजे पासे कुड़ियां दी कैटेगरी दी गल करिए तां वुमेन्स कैटेगरी दे विच भी फरीदाबाद दी लक्षिता ने गोल्ड हासिल कीता है। गुरुग्राम दी सुहानी ने सिल्वर ते झज्जर दी समृद्धि ने ब्रॉन्ज मेडल जीतिया है। इन्हां सारे होनहार बच्चियां दी हौसला अफजाई करन लई खुद सांसद धर्मवीर सिंह आए ते उन्हां ने बच्चियां नूं अग्गे आउण वाले मुकाबलियां लई शुभकामनावां भी दित्तियां ने। दस दिए कि 21 जुलाई नूं इह चैंपियनशिप समाप्त होवेगी। देखिए, मैं तो इस अनिल समेत सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, और कोई थोड़े नहीं बल्कि 1000 के आसपास तो स्विमर और इससे ज़्यादा उनके गार्जियन आए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेला हो। इस प्रकार का दृश्य पहले कभी भी हमने किसी साल में नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ कि जो 4 दिन की प्रतियोगिता है, इसमें चारों दिन जिस प्रकार से मेहनत से हमारे बच्चे स्विमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यही रफ्तार अगर आगे बढ़ती रही धीरे धीरे, तो हम स्विमिंग में भी नंबर एक पर आ जाएंगे। हरियाणा वैसे तो हर खेल का एक ये मानिए हब बन चुका है, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, एथलेटिक्स हो। हम थोड़े से लेट चले,
हरियाणा स्विमिंग में थोड़ा लेट चला, फिर भी इन 10-15 सालों में हमने काफ़ी प्रगति की है और इस तरफ झुकाव अब तो सारे प्रदेश का है। हर जिले से सैकड़ों की संख्या में हमारे नए नए लड़के आते हैं और अब तो हर जिले में इस प्रकार के स्विमिंग पूल, अब आपका यहाँ का दृश्य आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं तो पहली बार देखता हूँ, वरना इस प्रकार का माहौल प्रदेश में खासकर स्विमिंग कर के लिए पहले नहीं हो।